नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। भोपाल, खबर समय जगत में आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पीके जैन। राजनीतिक विषय हो, सामाजिक विषय हो या कोई भी जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हो, इन सभी विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पीके जैन। देश के विकास में सड़कों के योगदान और सड़कों के विकास से अर्थतंत्र कैसे मजबूत होता है या सड़कों के विकास के लिए शासन को और अधिकारियों को क्या खास बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए, इन सारी बातों पर पीके जैन ने अपने विचार हमसे साझा किए। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीके जैन, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कई सारे राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। आज हम इनसे कई विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रमुख विषय है सड़कों का देश के विकास में क्या योगदान है, इसे किस तरह से समझा जा सकता है। बहुत स्वागत है जैन साहब आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको विषय बताया कि सड़कों के विकास को लेकर, देश के विकास के लिए सड़कों का किस तरह से योगदान है, इसको थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक सड़कों की बात हम करते हैं तो किसी भी देश की प्रगति के लिए सड़कों को जो है वही स्थान दिया गया है जो इंसान के शरीर में नसों को प्राप्त होता है जी। तो ये रक्त वाहिनियाँ होती हैं किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए जी। और इस आवश्यकता को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं भारत रत्न वाजपेयी साहब जी, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस बात को बड़ी गहराई से महसूस किया और उस पुराने समय में, आज से 20-22 साल 25 साल पहले, उन्होंने सड़कों की दिशा में भरपूर काम करने के लिए बहुत सारे प्रयास और बहुत सारी कोशिशें की और उसे अंजाम देने की बात हुई और कार्यक्रम उसके बाद से हम देखते हैं कि 2000 के बाद से सड़कों के निर्माण में काफी प्रगति हुई है और निर्माण क्षेत्र में काफी काम होते आ रहे हैं। निर्माण के साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य जिस बात को लेकर जिसे बहुत दुख होता है वो ये होता है कि संपूर्ण प्रशासन की मंशा जो है वो जन कल्याण की है और एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने की है, लेकिन जो प्रशासन तंत्र हमारे पास में उपलब्ध है ये देखकर बहुत दुख होता है कि आज की तारीख में भी जितनी सड़क बनाने वाली एजेंसियां हैं, खास करके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वे इस बात से बहुत दुखी हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कई बार तो कि सारा का सारा प्रशासन जो है वो काम नहीं करवाने के लिए पीछे लगा हुआ है, काम करने के लिए पीछे नहीं लगा हुआ है। अर्थतंत्र को इससे क्या सहायता मिलती है? इसका सबसे बड़ा जो संक्षिप्त प्रभाव मिलता है वो ये मिलता है कि किसी भी, हम अगर एक जो निर्जन क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जंगली इलाका है, वहां से अगर हम कोई भी निर्माण कार्य करते हैं तो वहां पे श्रमिकों का एक दल जाकर के ठेकेदार के साथ में एक कैंप करता है। उसके बैठने से वहां पर क्या होता है कि एक छोटा सा ढाबा खुल जाता है, चाय की दुकान खुल जाती है, एक किराने की दुकान खुल जाती है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, उनके जीवन में तरक्की आने लग जाती है, खुशहाली बढ़ने लग जाती है। काम पूरा होते ही वे अपना कैंप वगैरह सब वहां से छोड़ छाड़ के चले जाते हैं बनाने वाली एजेंसी, तो है ना, उन सारी संरचनाओं का लाभ भी जो है उस वहां के जो स्थानीय निवासी होते हैं उनको मिल जाता है, जिसका की प्रगति में भारी योगदान होता है। बिल्कुल, ये फायदे मिल जाते हैं उन्हें। और जब निर्माण कार्य होता है तो क्या होता है कि हर प्रकार के लोग वहां पर आते हैं, तकनीकी वाले आते हैं, हर प्रकार के लोग वहां पहुंचते हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं उनका इन लोगों से संवाद होता है जी, जो कि इनकी तरक्की में सहायक बनता है, ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है जी। तो ये इसके फायदे मिल जाते हैं हमें जी। अब दुर्भाग्य ये होता है कि शासन जब किसी भी काम के लिए तय करता है कि ये काम सड़क बनवानी है, ये पुल बनवाना है, इसकी जो आधारभूत तैयारियां हैं वो बिल्कुल नहीं होती, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई सर्वे प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं होता जी। बड़े सतही तौर पे बनाए करके और एक बार ठेके बुला लिए जाते हैं, ठेका मंजूर हो गया, उसके बाद में सारा का सारा टोकरा ठेकेदार का, अब हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है जी। वहां पर फॉरेस्ट की परमिशन की जरूरत है, वहां पर पर्यावरण की परमिशन की आवश्यकता है, वहां पे भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, किसी बात से फिर कोई मतलब नहीं है। अब वो निर्माण करने वाली एजेंसी अपना सिर फोड़वाए, जो भी करना है करे उनके पास, इन चीजों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। दूसरा कि जो सड़कों का या पुलों का डिजाइन का काम है
ये बहुत संवेदनशील काम है। ये अक्सर देखने में आज की तारीख में मिल रहा है कि सरकारी क्षेत्र में इस काम को जो पहले अनुभवी इंजीनियर किया करते थे वो पूरी तरह से ऑफलोड करके दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस को और एजेंसीज को दे दिया गया है। लिहाजा इसमें शुद्ध व्यावसायिकता घुस गई इसमें और हकीकत में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। यही कारण है कि आज की तारीख में बहुत अधिक हमें घटनाएं इस बात की देखने को मिलती हैं कि सर पहली बाढ़ में पुल बह गए, सड़कें डूब रही हैं, टूट रही हैं, कट रही हैं। ये ज्यादा कारण इसका सिर्फ यही है कि जो उसका डिजाइन का काम है वो काम जो है जिस शिद्दत से प्रॉपर नहीं हो पाता करना चाहिए वो नहीं कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपका कि आपने हमसे अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.